अभी तक हमने क्या कर लिया, एक छोटी सी ऐप बना ली है जावास्क्रिप्ट की, जो क्या करती है उसमें आप कोई भी बात लिखते हैं तो वो क्लाउड में जाके एक डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। और उसका पूरा हमने क्रैड ऑपरेशन कर लिया था कि वो जो चीज़ सेव हुई है आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चला के एक बार देख भी लेते हैं, सर्वर रन नहीं हुआ है, सर्वर भी रन कर लेते हैं। बगैर सर्वर के चलेगा, लेकिन वो फिर शेयर्ड नहीं होगा ना, वो आपका टू डू फिर आपके पीसी में ही सेव होगा, कोई और खोलेगा तो उसको नहीं दिखेगा वो, या आप किसी दूसरे कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लाउड में जो डेटाबेस होता है वो, अगर मैं देखो इसको किसी और इनकॉग्निटो में भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये दिखेगा क्योंकि ये क्लाउड के डेटाबेस में। सही है, जो आपने अभी ऐप मुझे बना के सबमिट करवाई है, यही यही मैंने आपसे कहा था बनाने, तो आप लोगों ने बना लिया सबने, तो अभी किसी भी कंप्यूटर में आप खोलेंगे वो दिखेगा आपको। ये जो हमारा जो शेयर्ड क्लिप बोर्ड है ये असल में टू डू ऐप ही है, ये आपसे जो पिछला सेक्शन था वेब डेवलपमेंट का जो बैच 7 उसके स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, तो ये मेरे पास भी दिखता है आपके पास भी, रीज़न यही क्लाउड पे। अगर ये मशीन में होता, क्योंकि लोकल स्टोरेज के नाम से स्टोरेज है आपके पास ब्राउज़र में, लेकिन वो ब्राउज़र में ही सेव होता है फिर, तो हमें वो नहीं करना, हमें क्लाउड वाला काम करना है। जैसे फेसबुक को आप इमेजिन करें कि फेसबुक में आपने कोई पोस्ट की और वो आपके कंप्यूटर में ही सेव हो गई पोस्ट, आपके दोस्त को नज़र ही नहीं आ रही, तो फेसबुक फिर किस बात का वो, है ना? तो क्लाउड डेटाबेस का हमारे पास ये बेनिफिट है कि वो सब जगह अवेलेबल हो जाता है ओवर द इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करता, ये उसका डाउनसाइड है। अच्छा, आज हम जो है ना रिएक्ट पढ़ेंगे थोड़ी सी। अच्छा, रिएक्ट हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो हम, क्योंकि चैट बॉट का कोर्स है हमारा ये, तो चैट बॉट जो है वो या तो लगेगा किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, वो तो हम जब पढ़ेंगे चैट बॉट तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना चैट बॉट मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशंस पे लगा हुआ होता है ना, तो वेब एप्लीकेशन जो ज़्यादातर बनती हैं वो मर्न स्टैक पे बन रही है, रिएक्ट पे बन रही है। ठीक है, वैसे एंगुलर पे भी है, वी यू जे एस और भी फ्रेमवर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो रिएक्ट का है इस पर। तो आप समझ लें कि 50, 60 या 70% वेब एप्लीकेशन जो अभी बन रही हैं इस वक्त वो रिएक्ट में बन रही हैं। तो जो चैट बॉट जब आप वेब एप्लीकेशन पे लगाएंगे तो आपको ना थोड़ा सा उस वेब एप्लीकेशन की समझ होनी चाहिए कि वो काम कैसे कर रहा है। अच्छा, और रिएक्ट का बेनिफिट ये है, देखें अभी ये आपकी जो जावास्क्रिप्ट की ऐप है ना, ये हमने प्लेन जावास्क्रिप्ट लिखी है, इसको वनीला जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। अब इसमें जो हमने ये वाला काम किया ना, ये जो हमने काम किया है कि इनपुट को हम ऐसे ज़बरदस्ती करके आईडी दे रहे थे, और ये है तो सही, चल तो सही रहा है, लेकिन ये लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो ये वाले मसले भी आपके ना रिएक्ट में हल हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने ये जो काम किया हुआ है ना, ये कौन सा काम है, जो गेट ऑल टू डू करके जो हम डिस्प्ले करवाते हैं, और डिस्प्ले करते हुए हम उस पर एडिट का और डिलीट का बटन डिस्प्ले करवाते हैं, फिर एडिट के बटन के क्लिक पे क्या हो, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक हो जाता है। अगर आपने ये किया हो तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है इसको करना, तो ये मसला भी हमारा जो है रिएक्ट के अंदर हल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम लिखते हैं यहाँ पर डेव सीडिया रिएक्ट, और बस एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल, दिस इज़ कॉल्ड अ कम्प्लीट रिएक्ट ट्यूटोरियल 2020, ये इसने 2020 में आर्टिकल लिखा था, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो हम रिएक्ट क्योंकि कम्प्लीट नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, ओवरव्यू का मतलब भी है कि फंडामेंटल हम सारे पढ़ेंगे इसके, ठीक है, एडवांस चीज़ें हम मिस आउट करेंगे, लेकिन हम फंडामेंटल्स इसके हम सारे पढ़ेंगे। रिएक्ट बिल्कुल, ये ज़रा मैं थ्योरी थोड़ी सी बता दूँ, फिर हेलो वर्ल्ड आपसे करवाते हैं। सही है, अब इसने ना थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू की है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। लर्निंग रिएक्ट इज़ टफ़, शुरू में ना आपको लगेगा कि टफ़ है काफ़ी, इट सीम्स देयर इज़ अ लॉट टू लर्न एट वंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सीखनी पड़ रही हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि हम उन बहुत सारी चीज़ों में से ना वो आधी से ज़्यादा हम पहले ही सीख चुके हैं, तो हमें वो मसला नहीं होगा। तो कह रहा है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए CSS आनी चाहिए, JavaScript आनी चाहिए, ये तो हम पहले से ही सीख चुके हैं। अच्छा, ये वेब पैक वगैरह ये सब भी देखते हैं हम क्या है। हेयर इज़ वॉट वी विल कवर,
तो अच्छा फिर ये बता रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है ना ये बिगनर्स के लिए बनाया गया, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए, इसमें सब फ्रॉम स्क्रैच है। अच्छा तो ये वो चीज़ें हैं जो ये कवर करेगा। क्या करेगा? व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाई इट्स वर्थ लर्निंग, कि रिएक्ट क्या है और क्यों आप अगर रिएक्ट को सीखते हैं तो ये वर्थ है, वर्थ इट। ठीक है, हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विथ कंपोनेंट एंड JSX, यानी कि ये हेलो वर्ल्ड इस पॉइंट पे करवाएगा। क्या कहते हैं कि कोई भी एक हेलो लिख के ना स्क्रीन पे जस्ट डिस्प्ले करवा दे, वो करेगा ये। फिर पासिंग डेटा कंपोनेंट, अब ये नीचे की बात वैसे भी समझ में नहीं आएगी, वो हम आगे चलेंगे तो साथ साथ हम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाई इट्स वर्थ लर्निंग। अच्छा, इस आर्टिकल के आखिर में ना ये स्लैक एक एप्लीकेशन है, उसका क्लोन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इस आर्टिकल को आप लास्ट तक कवर करें और ये आप पूरा क्लोन इसका बना लें। अच्छा, ये एक और तमीज़ी गुफ्तगू है कि टाइनी विन प्रोपेल यू फॉरवर्ड, कह रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियां ना आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ लें, प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा, तो आप बोर हो जाते हैं फिर। तो ये कह रहे हैं कि आप, हम क्या करेंगे, छोटा थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और थोड़ा सा फिर टास्क करेंगे जो हम शुरू से ही कर रहे हैं इस क्लास में। तो ये इसने ये वाली भी बात की। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है व्हाट इज़ रिएक्ट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना इस, यानी अब जो रिएक्ट का जो पोर्शन है पूरा, उसमें रिएक्ट इज़ अ UI लाइब्रेरी क्रिएटेड बाई फेसबुक। अच्छा, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि लाइब्रेरी किसको कहते हैं? फंक्शन बहुत सारे अगर एक जगह इकट्ठा करते हैं तो लाइब्रेरी है, और वो एक एक करके फंक्शन को हम कॉल करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। UI लाइब्रेरी का क्या मतलब है? कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जो UI बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हमने जो इससे पहले मैथ JS पढ़ी थी लाइब्रेरी, वो किस लिए होती है? मैथमेटिक्स के सारे फंक्शंस हैं भाई, प्लस करना है, माइनस करना है, स्क्वायर रूट, और भी उसमें अलजबरा वलजबरा सब था, तो हमें जो करना होता था वो वाला फंक्शन हम कॉल करते थे। फेसबुक ने ये बनाई है, फेसबुक ने अपने लिए बनाई थी, फिर बाद में उसने एक अच्छा मौका देखा तो उसने इसको पब्लिक कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि जब फेसबुक ने इसको पब्लिक किया था तो ये ऐसी नहीं थी लाइब्रेरी, ये बहुत मुख्तलिफ थी इससे, क्योंकि वहाँ पे फेसबुक में जब ये लाइब्रेरी बनी होगी तो जाहिर है एक छोटी टीम होगी, 100, 200, 500 लोगों की टीम होगी, उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश की होगी। दूसरा ये, उस वक्त ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते थे। जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना, जब ये ओपन सोर्स हुआ तो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी को ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल पसंद नहीं है, कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो खुद सर लौंडे हैं, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं ना, जो बॉस के अंडर में, वो भी कर रहे हैं ज़बरदस्ती पे कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना वो भी नहीं चाहते। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर बोला कि यार हम, अगर आप इसको करते हो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो ख़त्म, तो फिर हम करेंगे काम, वरना हम अपनी बनाएंगे फिर रिएक्ट। तो फिर उन्होंने बोला चलो सही है, हम इसको ख़त्म करते हैं। तो अब इसमें ना फंक्शनल कंपोनेंट्स करके ये चलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, फेसबुक में तो बॉस था ना वहाँ पे, तो वहाँ तो जो बॉस बोलेंगे वो होगा, लेकिन जब ये ओपन कम्युनिटी में आ गई, ओपन सोर्स हो गया, तो ओपन सोर्स में जो लड़के बैठे हैं ना, वो क्या यार हम खुद बना लेते हैं ना अपना, आप रहने दो, आपसे नहीं हो रहा तो आप रहने दो, हमें नहीं करना ये, हम अपना बना लेंगे। आइडिया तो पता चल गया ना ओपन सोर्स होने की वजह से कि हो कैसे रहा। तो और अपना कुछ प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए थे अपने, जैसे Vue.js जो है वो मुझे लगता है कि उसी की एक ये वो है कि किसी ने अपना शुरू कर लिया होगा उसी वक्त, यार नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो अच्छा, अब अगला जुमला है, इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। ये UI आपको हेल्प करती है क्या बनाने में? इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन, व्हाट डज इट मीन बाय इंटरैक्टिव? हाँ, यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट करता है, बताओ और। नहीं, अच्छे की बात नहीं है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? हम ये डिस्कशन कर चुके हैं एक बार, इंटरेक्टिव एक वर्ड, इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है? आप क्लिक करें और आपको कोई रिस्पॉन्स मिले, बिल्कुल सही बताया। क्लिक करने पे जो रिस्पॉन्स है वो इंटरेक्टिव है। देखो इंटरेक्टिव, बिल्कुल सही बताया आप सबने, वेलकम। इंटरेक्शन जो है ना, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ जवाब दे रहे हैं, समटाइम्स सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन है। सिर्फ मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो ये भी इंटरेक्शन है,
और आप अगर सामने से जवाब भी दे रहे हैं तो ये टू वे इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट या ऐसा वेब पेज जिससे आप भी कुछ बोल सकें अपनी बात। जैसे एक वेब था 1.0, उसमें क्या होता था, जो मस्जिद में पंफलेट पढ़ते हैं उसी का वो डिजिटल वर्जन था। उसमें जो तस्वीर लिखी वो दिखेगी आपको, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। तो दैट वाज वेब 1.0, या उसको आप नॉन इंटरेक्टिव कह सकते हैं। ये अभी जो आप जितनी भी वेबसाइट आपने जिस ज़माने में आप खोली है ना, इस ज़माने में जितनी भी वेबसाइट है वो सब की सब इंटरेक्टिव है, ठीक है। इसलिए ये वर्ल्ड हमें ना इतना वो नहीं कराता। ये असल में इतने 70s वाले बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए ना ये टैगलाइन लगाई थी कि इंटरेक्टिव है, उनको इंटरेक्टिव सुनते ही अच्छा लगता है, अच्छा ये नया वाला है। हमारे लिए तो वेब 3.0 नया है ना, कि भाई मेटावर्स होगा और NFT होंगी और क्रिप्टो होगा, ब्लॉकचेन होगा। तो ये इंटरेक्टिव इसलिए ये लिखते हैं अपने टैगलाइन में। ये 70s वाले जो बंदे हैं ना, उनको उनको टारगेट मारते हैं ये, उनको इंटरेक्टिव सुनते ही अच्छा लगता है, अच्छा इंटरेक्टिव है, ठीक है। हमने तो आँख खोली है और सभी इंटरेक्टिव है, कि फॉर्म फिल हो रहा है, सबमिट हो रहा है, सेलेक्ट बॉक्स आ रहा है, पिक्चर के ऊपर लाइक हो रहा है, कॉमेंट हो रहा है, शेयर हो रहा है, ये सब इंटरेक्शन है आपकी। साइन अप हो रहा है, लॉग इन हो रहा है, टू डू के ऊपर मैंने लिखा, सेव हो गई। ये जो आपकी जो ऐप है, ये ऐप, दिस ऐप इज़ इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, आप लिखते हैं सेव हो जाता है। ये जो एयर डॉट सिसबॉर्ग है, जो हम क्लास में यूज़ करते हैं शेयर्ड क्लिप बोर्ड के तौर पर, ये क्या है, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है। मैं कुछ बोलता हूँ वो समझ जाता है, आपको भी बता देता है, ठीक है। क्लास आईडी चेंज हो जाती है इसमें से, तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव। अच्छा, वेब एप्लीकेशन तो आप सब जानते हैं, एक होती है वेबसाइट, एक होती है वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट जो होती है वो जस्ट साइट जो कहते हैं ना, वो एक खाली प्लॉट होता है कि दिस इज़ अ वेब साइट। अब उस साइट के ऊपर आप घास उगा दें या आप प्लाजा बना दें, वो आपके ऊपर है। तो जैसे एयर डॉट सिसबॉर्ग डॉट कॉम, ये एक साइट है, ये एक एड्रेस है, ये एक प्लॉट। भाई खाली प्लॉट एक एड्रेस ही होता है ना, और क्या होता है। एक एड्रेस होता है कि गली नंबर फला, प्लॉट नंबर इतना, बस वो एक, दैट इज़ अ साइट एड्रेस। उसके ऊपर क्या बना हुआ है ना, दैट इज़ एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन के वर्ड पे गौर करें तो एप्लीकेशन जो वर्ड निकला है ना, वो निकला है अप्लाई करने से। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अप्लाई करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन के। मोबाइल फ़ोन का सबसे पहला एप्लीकेशन ये कि आपस में आप बात कर सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो अप्लाई होती है। जैसे पेंट होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है कि दीवारों को लगा दो तो दीवारें पानी से महफूज हो जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं देखने में, उसमें कुछ फ्यूमिगेशन वाला भी हो जाता है कुछ। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होती हैं कि कहाँ अप्लाई होगा ये, कहाँ लगेगा। जैसे मैथ पढ़ते हैं, हम कहते हैं मैथ ये लगेगा कहाँ, अप्लाई कहाँ होगा ये, तो वो उस वर्ड से निकला ये एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन इस किस्म के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कि जो अप्लाइड कहीं होता हो। जैसे ये जो आपके सामने साइट है ना, एयर डॉट सिसबॉर्ग डॉट कॉम, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। अच्छा, मैंने ये अपने दोस्त को दिखाया, उसने कहा ये होता क्या है, इसे ये करते क्या है इसके अंदर। उसको मैंने दिखाया, ऐसे लिखोगे नीचे आ जाएगा, शो हो जाएगा। उसने कहा ये क्या एप्लीकेशन है ये है, मतलब मैं क्या बैठूंगा ऐसे ही अपने दिल में जो आएगा मैं ऐसे करके लिखता रहूँगा क्या। तो मैंने फिर उसको एप्लीकेशन समझाया, मैंने कहा यार ये एप्लीकेशन इसका ये है कि हम जब क्लास में बैठे हुए होते हैं तो मुझे कुछ लिंक शेयर करना होता है स्टूडेंट से, तो मैं वो लिंक यहाँ पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और सेम क्लास आईडी अगर कोई दूसरा स्टूडेंट लिखता है अपने पास, तो उसको ये नज़र आ जाता है। जैसे अभी मैं वेब लिखूंगा तो मैं वेब की क्लास में चला गया, ये वेब की क्लास है, सही है। मैं AI लिखूंगा तो वापस इस क्लास में आ जाऊंगा मैं। तो मैंने उसको ये समझाया गया इसका ये एप्लीकेशन है, फिर उसकी समझ में, अरे हाँ इसकी तो ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो, एप्लीकेशन समझ रहे हो वर्ड। एक और ऐप था इसके अलावा, एयर फॉर शेयर, वो पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन उसमें मसला क्या होता था, यहाँ पे नेटवर्किंग का ना कुछ इशू है, तो एक रोज़ जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे था यहाँ पे पहले इसी क्लास में। तो वो होता ये था कि एयर फॉर शेयर जो है वो सेम नेटवर्क पे काम करता है, IP मैच करता है, पता नहीं क्या करता है। मैं यहाँ से शेयर करूँ, वो एक साइड वालों को नज़र आए, दूसरे को नज़र ना आए, अब वो पता नहीं उसके लिए जो आड़े। तो फिर एक दिन हम मेरा मीटर बहुत शॉर्ट हुआ, मैंने कह रही थी तुम्हारी टू डू ऐप जो तुमने बनाई है ना, इसको प्रॉपर अच्छे से बनाओ और हम इसको यूज़ किया करेंगे यहाँ पर। तो किसी स्टूडेंट ने अच्छा से बनाई, तो फिर हम वो यहाँ पे इसको मैंने चढ़ा दिया, हमने कहा यार अब इसको यूज़ करेंगे, अब छोड़ दो एयर फॉर शेयर का चक्कर।
तो ये एप्लीकेशन मैंने आपको समझाया कि एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन में फ़र्क क्या होता है। फेसबुक इज़ एप्लीकेशन, उसकी एक एप्लीकेशन है, आप कुछ वहाँ पे अनाउंस करते हैं 10 लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। इंटरटेनमेंट भी उसकी एप्लीकेशन है। तो इसने बोला कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन जो है ना, ये हेल्प करती है आपको ये लाइब्रेरी कि कैसे बनेगा, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब वो जो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन आप बनाते हैं ना रिएक्ट के ज़रिए, वो बनी हुई होती है कंपोनेंट्स। वो किससे बनी हुई होती है? कंपोनेंट्स, यानी 4, 5, 10, 12, 50 कंपोनेंट को मिला के वो पूरी ऐप बनती है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अंग्रेज़ी में कंपोनेंट हम किस चीज़ को, क्योंकि देखो नाम में सारी कहानी छुपी हुई है, नाम पे गौर करोगे ना सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कंपोनेंट अंग्रेज़ी में कोई बता सकता है किस चीज़ को कहते हैं? वो डेफिनेशन सर्च भी कर सकते हो, सर्च करो गूगल पे, गूगल पे ना लिखो, सर्च करो डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट। हाँ देखो, बड़ो पढ़ो क्या आ रहा है उसमें डेफिनेशन में, पढ़ के सही बताया बिल्कुल सही है। और देखो सबके पास यही आ रहा है। ये इन्होंने जो बताया ना डेफिनेशन, ये यहाँ पर भी देखो, अभी अ पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ लार्ज होल। होल कहते हैं जैसे होल सेल होता है ना कि भाई ज़्यादा सामान बिकता है, तो कोई लार्ज कोई चीज़ है ना उसका छोटा पार्ट, स्पेशली पार्ट ऑफ मशीन और व्हीकल। कह रहे हैं कि जो गाड़ी होती है या कोई मशीन होती है बड़ी, उसका जो छोटा पार्ट होता है उसको कंपोनेंट कहते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ मिसिंग है इस डेफिनेशन में, वो पार्ट जो है ना वो अपने आप में कंप्लीट मशीन होती है। कंपोनेंट जो है वो किसी बड़ी मशीन का छोटा पार्ट होता है जो अपने आप में कंप्लीट मशीन होता है, यानी उसको उस मशीन से अलग भी कर दिया जाए ना तो वो अपने आप में फंक्शनल, पूरा फंक्शनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे कि आपके सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसमें मॉनिटर अलग है, माउस अलग है और कीबोर्ड अलग है। तो माउस जो है वो इस पूरे होल का हिस्सा है ना, लेकिन अगर माउस को मैं इस कंप्यूटर से अलग कर दूं तो किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा के भी चल जाएगा वो। मतलब वो माउस अपने आप में कंप्लीट है, वो इस कंप्यूटर से मतलब जुड़ के चलता है, लेकिन अपने आप में वो एक कंप्लीट मशीन है। कीबोर्ड अपने आप में एक कंप्लीट मशीन है, ठीक है। इसी तरह ये मॉनिटर है, ये अपने आप में कंप्लीट मशीन है। अभी मैंने इसको CPU के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कल को मैं किसी VCR या किसी CD प्लेयर वगैरह के साथ भी करूँगा कनेक्ट तो चलेगा ही, ठीक है। किसी दूसरे जहाँ कहीं और से डिस्प्ले सोर्स मिल जाए उसको, तो ये वो डिस्प्ले कर देगा। इसका काम है डिस्प्ले करना, ये अपने आप में कंप्लीट मशीन है। जैसे आपके सामने AC रखा गया है, AC के अंदर एक कंप्रेशर होता है, वो AC का कंपोनेंट है। उसको अगर मैं AC से बाहर भी निकाल दूँ तो उसका काम क्या है? हवा को कंप्रेस करना। वो AC के अंदर है तो वो उस AC के अंदर जो गैस होती है उसको वो कंप्रेस करता है। AC से बाहर निकाल दूँ तो भी वो अपना कंप्रेस करने वाला काम भूलेगा नहीं, वो एक कंप्लीट मशीन है अपने आप में। तुम लोगों ने बचपन में पता नहीं देखा है, साइकिल का जब ज़माना होता था तो वो जब छोटा सा था मैं साइकिल में हवा भरवाने जाता था, तो उसने ये गोल सा ना टिंडे के जैसा रखा हुआ होता था, तो मैं उसको देखता था यार ये है क्या चीज़। तो वो एक दिन मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये कंप्रेशर है। तो मैंने कहा नहीं, कंप्रेशर तो होता है बड़ा, जो ये टिंडे जैसा ये क्या कंप्रेशर है? इसने बोला ये वो ना उससे निकलता है फ्रिज में से, फ्रिज AC में वो लगा होता है, तो वो फ्रिज ख़राब हो जाते हैं तो वो कंप्रेशर रह जाता है, उसको वो रख के उस हवा भर रहे होते हैं उस, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर वो जब होता है तो वो फ्रिज को ठंडा करता है कंप्रेशन के ज़रिए जो भी उसका अंदर प्रोसेस है। लेकिन अगर उससे वो बाहर भी निकल जाए तो वो क्या करता है? वो हवा को कंप्रेस करना काम है वो फिर भी कर रहा होता है। इसी तरह कोई और कंपोनेंट का बताओ। कंप्लीट मशीन है ये, वो भी कंपोनेंट है। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, मैं समझ गया। देखो अभी ये जो कंप्यूटर है,
जब हम कंप्यूटर बोलते हैं, ये वाले कंप्यूटर की बात हो रही है, अभी लैपटॉप की बात नहीं हो रही, तो इसमें कंप्यूटर ये जब होगा जब इसमें माउस भी जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड भी जुड़ा हुआ है और ये मॉनिटर भी लगा हुआ है और सीपीयू है एक सबका सेंट्रल पार्ट, तो ये कंप्यूटर कहलाएगा। अगर इसमें से एलसीडी को हटा दिया जाए तो फिर ये कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एलसीडी इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी मशीन का छोटा पार्ट है जो अपने आप में फंक्शनल है पूरा, तो ये कंपोनेंट कहला रहा है। अच्छा, अब आपने कहा कि यार कि एलसीडी भी तो एक कंप्लीट मशीन है ना, तो इसके अंदर भी तो कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि इसमें वो रेजिस्टर्स वगैरह डायोड वगैरह लगे हुए हैं, वो भी कंपोनेंट ही हैं, उसको भी हम कंपोनेंट ही कहते हैं, क्योंकि डायोड अपने आप में एक कंप्लीट मशीन है, वो उसका काम है, वो जो बायस वायस करना है जो भी करना वो काम है, वो एलसीडी के अंदर लगा हुआ है तो वो कर रहा है, एलसीडी बाहर निकल जाएगा तो भी बायस करना भूलेगा नहीं, वो ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो लगे हुए हैं वो अपने आप में कंप्लीट चीज़ है, वो सही है, वो भूलेगा नहीं। तो इसके अंदर अगर इसको हम एक मशीन मान लें, इस मॉनिटर को अगर हम एक मशीन मान लें, तो एक बड़ी मशीन के छोटे जितने भी पार्ट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शनल हो, अपने आप में वो फंक्शनल हो पूरे, और ज़्यादातर पार्ट फंक्शनल ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास ना हार्डवेयर में बहुत पहले बहुत ज़माना हो गया कि ये कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, ये जो रेजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर ये जो अलग अलग होते हैं ना, ये कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और एक होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या होती है, एक ही आईसी होता है उसके अंदर सब होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स कहते हैं उसको। तो वो ये अलग अलग, अब ये हार्डवेयर की साइड की चीज़ है, इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग दौर देखे हैं हार्डवेयर डेवलपमेंट ने, और बहुत सारे अलग अलग इसमें रेवोल्यूशन आए हैं, ठीक है। जैसे अब जो एक ज़माना था उसमें ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते थे बड़े बड़े, ये जो मॉनिटर है एलसीडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर तो था ही नहीं, तो मॉनिटर में बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता था, वो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता था बिजली को, और 11,000 वोल्ट के ज़रिए वो रे जनरेट करता था, कैथोड रेज, और उसके ज़रिए डिस्प्ले करता था पिक्चर को। लेकिन अब आप देखें वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह चॉपर्स आ गए, छोटे चॉपर्स जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, लिक्विड डिस्प्ले आ गया जिसको 11,000 वोल्ट नहीं चाहिए होते। अब उसके बाद एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी गैलीनियम, गैलीनियम में जो चॉपर है वो भी ख़त्म हो गया, वो जो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगता था पहले उसकी जगह इतना सा चॉपर था, और वो इतना सा चॉपर भी ख़त्म हो के गैलीनियम बन गया। गैलीनियम जो है वो एक डायोड के साइज़ का होता है और वो सारे काम कर देता है ट्रांसफार्मर वाले। तो अभी जो नए वाले जो हार्डवेयर आ रहे हैं ना, उसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है वो चिमनी सी होती है, इतनी सी। कंप्यूटर में पहले पावर सप्लाई इतनी बड़ी सी होती थी ना, तकरीबन 1 किलो की पावर सप्लाई होती थी जो अलग से लगी होती थी, अब वो इतनी चुन्नी सी होती है, ख़त्म, वो सारे मसले हल हो गए। अब जो अभी इस वक्त जो 65 वाट का और 90 वाट का जो चार्जर है वो इतना सा है, इतना सा, लिटरली इतना सा है, दिखाता हूँ तुम्हें। पावर अडाप्टर, ये जो है ना ये है, इतना सा है, छोटा सा, ये 65 वाट का है, ये देख रहे हो दोनों का कंपैरिजन है। मतलब ये इतना सा जो चार्जर है चुन्ना सा, अब इसमें तो खैर वो वाला दिख रहा नहीं है, लेकिन इतने बड़े ना 100-100 वाट के भी चार्जर है, 120 वाट के भी चार्जर है, वो हैं छोटे से बिल्कुल। वरना पहले जो 120 वाट का चार्जर होता था वो कितने का होता था, कितना बड़ा होता था, 120 वाट चार्जर HP लिखूंगा ना मैं, तो अभी देखना इतना बड़ा सा आ जाएगा। 120 वाट का जो है ना कुछ इस तरह का होता था ये रहा, हाँ 120 वाट का चार्जर इतना बड़ा होता था। अभी इसे 120 के साथ ना मैं गैलीनियम लगा दूंगा ना, तो अब देखो छोटा सा आ जाएगा, ये 120 वाट का। तो ये हार्डवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे फेजेस देखे। वेल, तो हमने कंपोनेंट की बात की, तो कंपोनेंट आई होप के थोड़ा सा अब आइडिया हो गया होगा कि कंपोनेंट क्या है। ये असल में ये वर्ड जो इसने लिखे हैं ना, ये पता होना ज़रूरी है, वरना कंपोनेंट का बेनिफिट पर समझ नहीं आएगा कि कंपोनेंट भला क्या है। अच्छा, इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। कस्टम टैग HTML के अंदर किस चीज़ को कहते हैं, बता सकते हो भाई?
जो हम खुद बनाए। सही है। अच्छा, HTML5 के अंदर ये चीज़ अलाउ है, मैं आपको बता देता हूँ अलग से, कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना H1, H1 के नाम का एक HTML में मार्कअप मौजूद है, मैं कुछ और लिख दूँ, मैंने ये लिख दिया मलिक, मलिक ओपन मलिक क्लोज, अपने नाम का टैग बना दिया मैंने, तो इसका बिहेवियर क्या होगा? इसको ये एज अ डिव ट्रीट करता है। HTML5 जो है ना, आप कोई भी नाम लिख दें अपनी मर्जी का, ABC लिख दें आप, लेकिन फिर क्लोज भी उसी नाम से करना होगा ABC, तो ये आपको एरर नहीं देगा, ये आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आपका मसला हो गया, एरर हो गया, ये बोलेगा ठीक है ये आपके नाम का टैग है, ये डिव है। अब इस ABC को मैंने अगर कोई स्टाइलिंग देनी है ना, वैसे तो स्टाइलिंग हम इस उसके ज़रिए देते हैं, अपना क्लास के ज़रिए देते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं लिखता हूँ कि ABC को क्या स्टाइल दे दो आप, कलर इसका कर दो रेड, तो ये कर देगा रेड, इसको कोई मसला नहीं है। सही है, मैंने क्या बोला, ABC के नाम से कोई एलिमेंट है उसको रेड कर दो, तो ये ABC के नाम से एलिमेंट है ये रेड हो जाएगा। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ की है मुझे लग रहा है, ये रेड में ये नहीं था ना इन्वर्टेड कॉमा, हाँ अब आ गया ये, सही है, सेट हो गया ये। तो HTML5 में ना इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, कस्टम टैग्स कहते हैं, कि अपने नाम का कोई भी आप टैग बना दें तो उससे क्या करता है वो, उसको एज अ डिव ट्रीट करता है, लेकिन आपको वो मना नहीं करता। तो अब आप समझ में आया ये क्या चीज़ है, कह रहे हैं कि इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। तो कह रहे हैं कि अभी तो कंपोनेंट का सिर्फ नाम सुना है ना, देखा तो है नहीं कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि आप जब देखोगे ना आपको लगेगा कि ये HTML का कस्टम टैग है, आपको ऐसा लगेगा। That's pretty much what they are. Reusable bit of component, content and behavior that can be put on a web application. ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पर थोड़ा सा glimpse दिया है वो वाली बात का, कह रहा है कि ये बस जो बता दिया ना मैंने बस इतना ही है। तो क्या है ये, लास्ट इसने जुमला बोला, reusable bits of content and behavior. Reusable है, जैसे माउस है ना, एक मशीन में लगा हुआ है, निकाल के किसी और में लगा दो, reusable है। एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसका माउस कीबोर्ड तो सही है, निकालो कहीं और लगा दो, तो रीयूजेबल बिट है वो कंपोनेंट जो। अच्छा, अब मजीद कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है, अ कंपोनेंट इज रिटन एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ना, अगर ये थ्योरी सही समझ जाओगे ना, प्रैक्टिकल यूं खत्म होगा, प्रैक्टिकल पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, बस हेलो वर्ल्ड बनेगा हमारा, वो इंशाल्लाह आप बनवाएंगे, क्या नाम है आपका, तहा, हेलो वर्ल्ड तहा करवाएंगे जी, आज कोशिश होगी मेरी आज करवा दूंगा, क्या मतलब लोडिंग होने में, नहीं नहीं वो तो आज तो क्लाउड पे बनेगा ना, आज तो क्लाउड पे बनेगा पहला वाला जो है। अच्छा, अ कंपोनेंट इज रिटन एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट हियर, नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज। अच्छा, टेम्पलेट लैंग्वेज आप लोगों को वैसे पता नहीं होगा, वो EGS वगैरह और वर्डप्रेस में जो टेम्पलेटिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहा है वो टेम्पलेट नहीं है, रियल जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, React support special syntax called JSX. JSX के नाम का एक स्पेशल किस्म का सिंटैक्स है जो आप इसमें लिख सकते हैं, which looks a lot like HTML but it is turned into real JavaScript code by compiler. कह रहा है कि ये कंपोनेंट ना आप लिखेंगे किसमें, आप JSX नाम की ना एक छोटी सी इन्होंने लैंग्वेज बना दी है उसमें आप लिखेंगे। अच्छा, लेकिन वो JSX आप जब देखेंगे ना आप फ़र्क नहीं कर सकते कि ये JSX है या HTML है, वो बिल्कुल HTML की तरह है, उसमें यही डिव है, यही H1 है, सारी चीज़ें यही है उसके अंदर। अच्छा, और कह रहा है कि जब लेकिन आपका कोड आप रन करोगे ना तो ये JSX जो है उसको रियल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और कैसे वो कन्वर्जन होगी, वो होगी कंपाइलर के ज़रिए। अब कौन मुझे बताएगा कि कंपाइलर क्या होता है, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कंपाइलर किस चीज़ को कहा जाता है? जी पूरे कोड को क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि कोड को 1-0 में कन्वर्ट कर देता है, कुछ कह रहे हैं कि पूरे कोड को एक साथ जब चलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाइलर या कंपाइलेशन। और कोई अगर बताना चाहे अपना ओपिनियन, ब्रेनस्टॉर्मिंग है सवाल, कोई ऐसा सही गलत की बात नहीं है। हाँ, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो असल में बात पता क्या है, जो हमने नॉट जेएस अभी जब पढ़ी थी ना रिसेंटली, तो उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो जैसे इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स, तो वो ना सारा ब्राउज़र में सपोर्टेड है ही नहीं अभी तक, किसी भी ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है, तो वो सारा सिंटेक्स हमने इसमें पढ़ेंगे। अच्छा वो वाला जो सिंटेक्स है, अच्छा उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोड में, ये कह रहा है कोड में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कोड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि जो JSX है इट विल बी टर्न इनटू रियल जावास्क्रिप्ट। तो कोड को रन करने से पहले ना, अगर उस कोड में किसी किस्म की कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करे, कंपाइलेशन इज़ अ प्रोसेस, उस प्रोसेस में कोई ना कोई किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज को वो ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा होता है कि हम जो कोड लिखते हैं वो उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो। कंपाइलर जो है, कंपाइलेशन इज़ अ प्रोसेस। अब इसकी कंपाइलेशन में क्या होता है वो इसने आगे बताया था कि वो क्या होता है। अच्छा हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, वो कर रहा खुद ही है सब कुछ, उसने सेट किया हुआ पीछे, ये जस्ट हम ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, कंपाइल होता है। ठीक है, अच्छा तो जो हम लिखते हैं ना सिंटेक्स, इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, वो कंपाइल होके ना वो सिंपल जावास्क्रिप्ट में बन जाता है जो ब्राउज़र में चल सके, क्योंकि इम्पोर्ट तो चलता नहीं है ब्राउज़र में। अच्छा तो वो देखते हैं। अच्छा इसमें चीज़ें इंस्टॉल भी सारी NPM से होती है लाइब्रेरी, जैसे हम नॉट जेएस में कर रहे थे ना अभी NPM से, वैसे इसमें होती है सब चीज़ें इंस्टॉल भी, अभी हम करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। अच्छा अब ये कह रहा है कि अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। इसने पहले सिंपल कंपोनेंट बताया कि कंपोनेंट होता है, फिर इसने बोला कि कंपोनेंट बना हुआ कैसे होता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट से बना हुआ होता है। फिर इसने बताया कि ये अब पूरा वेब पेज कैसे बनेगा, पूरा वेब पेज ऐसे बनेगा कंपोनेंट्स होंगे जो बिछे हुए होंगे ट्री स्ट्रक्चर में। ट्री स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एक हेड होता है हमारे पास, एक बॉडी होती है ना। अच्छा फिर बॉडी के अंदर दो चार हेडिंग्स लगी हुई हैं, फिर एक पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ के अंदर इमेज है, स्पैन है, एक और कुछ डिव है, तो समझ रहे हो, ये एक के अंदर ये पेरेंट चाइल्ड वाला जो रिलेशन है। तो अगर आप इसको अगर पेपर पर ड्रॉ करें कि भाई एक HTML का डॉक्यूमेंट है, उसमें एक हेड है एक बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर चार हेडिंग्स हैं, सही है, और पैराग्राफ है साथ में, तो फिर उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, तो वो एक्चुअली ट्री के जैसा दिखने लग जाता है। तो जो हमारा HTML है, ये HTML जो है ना हमारा, ये ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हेड है और बॉडी है, तो ये पेरेंट है ये पहला चाइल्ड, और ये बॉडी दूसरा चाइल्ड। अब बॉडी के अंदर हम आते हैं, देखो बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर कितने चाइल्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है, और एक सात भी है, ये स्क्रिप्ट बेसी का चाइल्ड है सर। अब पहला जो चाइल्ड है उसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन सेकंड वाले का मजीद चाइल्ड है, एक इनपुट है एक बटन है। तो ये अगर इसको पेपर पे आप ड्रॉ करें ना, तो ये ट्री की जैसी शक्ल बनना शुरू हो जाती है कि एक मेन स्टेम है, उसमें से दो ब्रांच निकली, फिर दो में से चार ब्रांच निकली, फिर चार में से आठ निकली, ऐसे करके ट्री की तरह बनने लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे HTML में होता है ना कि टैग्स होते हैं और वो ट्री स्ट्रक्चर में बिछे हुए होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स होंगे ट्री स्ट्रक्चर में बिछे हुए होंगे। अच्छा कंपोनेंट देखने में लगते ही टैग जैसे, तो असल में यही होगा एक्चुअली, देखेंगे आप तो आपको लगेगा यही है। जस्ट लाइक HTML एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट, कह रहे हैं कि जैसे HTML के एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं आप, जैसे एक डिव में चार हेडिंग लगा दी, डिव के अंदर है ना वो हेडिंग, कह रहे हैं इसी एक कंपोनेंट के अंदर आप चार कंपोनेंट लगा सकते हैं इसके अंदर, और कंपोनेंट दिखने में कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट के टैग जैसे और HTML के टैग के जैसे। रिएक्ट कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट, सही है, बट दीज कंपोनेंट आर फंक्शंस रिमेंबर एंड दे कैन बी पास डेटा टू डिस्प्ले। कह रहे हैं कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये कंपोनेंट क्या है, ये फंक्शंस हैं, ये सिंपल फंक्शंस हैं, और इनको डेटा पास किया जा सकता है कि वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करें। अच्छा
अब हम ये मेरा ख्याल है काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब हम आ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ना ये वो बता रहा है सेंट के कंपाइलेशन के दौरान ना वो होता क्या है, यहाँ पे वो बता रहा है वो, ठीक है। बस सही है। अच्छा ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये हेलो वर्ल्ड हम अभी कर लेते हैं। ये हेलो वर्ल्ड क्या है, एक क्लाउड सैंडबॉक्स होता है, कोड सैंडबॉक्स, उसमें हम ये करेंगे ना, क्लाउड एडिटर में करेंगे। सही है। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें डायरेक्ट ताहा आएंगे यहाँ पे, और वो आपको फिर आपकी मशीन में ये करके दिखाएंगे ये वाला हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम ना क्लाउड वाले में क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है, इसने ये 5 स्टेप बताए हुए हैं, ये 5 स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, फिर आपने भी ये 5 स्टेप करने हैं और उसके बाद छुट्टी कर लेंगे। सही है। ये 5 स्टेप के बाद ना एक छोटा सा ये और भी है, योर टर्न के नाम से ना, ये योर टर्न, ये बना योर टर्न ना, इसके अंदर ये 4-5 स्टेप इसने दिए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे ये भी हम आज ही कर लेना, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि लेट्स गेट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट द कोड इज डूइंग। पहले हम बना लेते हैं फिर हम देखेंगे कि कोड करके आ रहा है वो, अभी अभी नहीं देखते, अभी जस्ट उसको बना लेते हैं। नंबर 1, स्टार्ट ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स। ये क्लिक आप करेंगे ना यहाँ पे, ये मैंने क्लिक किया और ओपन इन न्यू टैब कर दिया इसको, अगले टैब में ओपन हो गया ये लिंक। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट रिएक्ट का बना के यहाँ पे खड़ा कर देगा, ठीक है। ये इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से, तो नीचे मुझे फाइल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये फाइल्स हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, जूम कर दूँ लाइट ये वाली बेटर। अच्छा अब ये एक चलता हुआ रिएक्ट का ना प्रोजेक्ट है। अब ये देखो अगला, अभी इतना बोला था इसने, अगला देखो क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट विल हैव ऐप डॉट जे एस फाइल ओपन, कह रहा है ऐप डॉट जे एस नाम की एक फाइल होगी, वो पहले से ओपन होगी, उसमें क्लोज दैट फाइल, वी डोंट नीड इट, यू कैन इवन डिलीट दैट फाइल। तो हम आते हैं यहाँ पे जल्दी से, इसको हम क्या करते हैं, ये ऐप डॉट जे एस है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, बस डिलीट कर दिया हमने। अच्छा अब अगला स्टेप, सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस फ्रॉम लेफ्ट पेन, जो लेफ्ट पे ये लिखा हुआ है ना, ये जो इस पे कह रहा है इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अच्छा सेलेक्ट कर लिया भाई, और आगे आ गया, गुम कर दिया मैंने, होल्ड योर ब्रेथ एंड डिलीट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ दिस फाइल इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है भाई। ये इंडेक्स डॉट जे एस पे मैं आया, सेलेक्ट ऑल किया मैंने, सब डिलीट मार दिया जो भी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा अब डिलीट मारने के बाद अगला काम क्या है, टाइप दिस कोड, इस इंडेक्स डॉट जे एस का सब कुछ मिटा के उसमें ये कोड लिखना है मैंने, ठीक है। ये मैं तो कोड इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप सब इसको अपने हाथ से लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि मैं तो रिएक्ट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ तो मेरा हाथ सेट है इसके ऊपर, लेकिन एज अ बिगनर आपको ये चाहिए कि आप क्या करें, इसको अपने हाथ से लिखें, बल्कि मैं भी इसको अपने हाथ से लिख देता हूँ मैं यार, ठीक है। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही है, इम्पोर्ट ठीक है जी, ये दो चीज़ें इम्पोर्ट करनी थी, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्ट हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा फंक्शन, ठीक है, ऐप कोई भी मैं इसका नाम रख सकता हूँ, इसने क्या रखा है भाई, दबे नाम हाई रखा है इसने, तो चलो मैं भी हाई रख देता हूँ, हाई का नाम रखा है। अच्छा इसका जो पहला क्या वर्ड है ना, पहला भी वो छोड़ो, पहला वर्ड, फिर मैंने कहा रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैंने कहा डिव, और यहाँ पे लिख दिया हेलो मलिक, सही है, हेलो मलिक यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा रिएक्ट रेंडर डॉट डॉम,
मैंने कहा कि ये हाई वाला जो कंपोनेंट है मेरा वो डिस्प्ले करवा दिया जाए। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर सही तो लिखा है, इस वाले पे। हाँ नहीं कुछ और भी, हाँ सही है जी। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड इसको टाइप कर दिया और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ गया। हेलो मैं जो भी मैंने यहाँ बात लिखी थी वो यहाँ पे सामने मेरे पास लिखी भी आ गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड मैंने टाइप कर दिया वहाँ पर। अच्छा, अब ये वाला काम जो है वो आप सब लोगों को अपनी मशीन में, ये जो पांच स्टेप थे ये आप सब लोग अपनी अपनी मशीन में करें। ठीक है, और जैसे ही आपका हेलो वर्ल्ड हो जाए तो ये जो ऊपर लिंक है ना ये वाला, ये कॉपी करके आप और यहाँ पे मुझे शेयर कर दें। ठीक है, ऐसे air.sysborg.com पे ये लिंक आप मुझे शेयर कर दें। सॉरी कोड की फाइल, ये कैसे क्या समझा नहीं मैं, क्वेरी सिलेक्टर में लिखा नहीं, ये तो इन्होंने पूरा कोड लिख के दिया है ना, इसको आपने देख के टाइप करना है। अब ये कोड करता क्या है वो लाइन बाय लाइन अभी हम समझेंगे उसको। ठीक है, ये देखो ना इम्पोर्ट्स ऊपर जो है ये दो लाइन पहले समझी, फिर उसके बाद और दो लाइन समझी। सही है, तो ये हम पूरा लाइन बाय लाइन इस कोड को समझेंगे। तो जल्दी से ना ये कोड आप सब लोग लेकिन अपने हाथ से लिख लें अभी। ठीक है, और लिख के जल्दी से वो लिंक शेयर करें। ये 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ ये कोड अपने कंप्यूटर में लिखने के लिए। ये डेव सीडी आप लिखेंगे ना। अच्छा चलो, इस आर्टिकल का लिंक मैं भेज देता हूँ यहाँ पर। ये लो, इस आर्टिकल का लिंक भेज दिया मैंने तुम्हें।